हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका क्या कह रहा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन लो चूज द इक्वेशन हूज ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7। आपको फिगर दी हुई है 4.6 एंड 4.7। 4.6 के लिए आपको इक्वेशन ये दी हुई है और ग्राफ आपको ये दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, इसमें से परफेक्ट इक्वेशन कौन सी बनेगी इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं, 0, 0, -1 एंड 0 और 1 और 0, 1 और -1। ठीक है बेटा, तो मेरे को इनमें से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो स्ट्रेट लाइन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है बेटा, कि इन तीनों पॉइंट्स को, जो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो इन तीनों इक्वेशंस को जो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर देंगे, वही क्या होगी हमारी इक्वेशन। जैसे बेटा आपका ये पॉइंट क्या है, 0 एंड 0। ठीक है, यू नो वेरी वेल, जस्ट फर्स्ट जो होता है वो आपकी किसकी वैल्यू होती है, एक, सेकेंड क्या होती है, वाई। यानी कि वही सेम प्रोसीजर जो आप सेकेंड क्वेश्चन में करके आए हो। इनमें मैं 1 बाई 1 एक्स की वैल्यू पुट करूंगी। एक्स की वैल्यू पुट करने पर अगर गिवन वाई की वैल्यू आ गई, तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए गिवन वाई की वैल्यू अगर आ गई, तो इट मींस इट इज़ सेटिस्फाइड। ठीक है, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले मैं उठा रही हूँ फर्स्ट, फर्स्ट में मैंने क्या पुट किया, मैंने एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स अगर 0 है तो बेटा वाई 0 होगा, राइट। एक्स अगर 0 है तो वाई भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। सेकंड पॉइंट, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -1, और वाई की वैल्यू क्या है, 1। तो बेटा -1 इज इक्वल टू 1, इज इट पॉसिबल, बिकॉज वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तो वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, इन सेम वे यहाँ से भी आपको क्या दिख रहा है, वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हो गई, कैंसिल। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, अगर मैं इसको सोल्व करूँ सेकेंड वाली को, तो ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 5, सो एक्स इज इक्वल टू -5। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, एक्स को -1। ठीक है, एक्स को अगर मैं -1 पुट कर रही हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करा गया। दूसरा देखो, मैंने एक्स को क्या पुट किया, 0। 0 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई, सो वाई इज इक्वल टू 0। दूसरे वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई करा गई। तीसरा पॉइंट, वही सेम प्रोसेसर। अब मैंने एक्स को क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, 1, और वाई की वैल्यू क्या है, -1। कर दो पुट, एक्स की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या बोली उसने, -1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू -y, सो y इज इक्वल टू -1। इट मीन्स आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या कर गए, सेटिस्फाई करा गए। तो यहाँ पे ये वाली आपकी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब आते हैं आप इसी के थर्ड पॉइंट पे, हो सकता है कोई और इक्वेशन भी सेटिस्फाई करा जाए। तो देखो बेटा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अब देख के बिल्कुल ओरली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दूं, तो y भी 0, x भी 0, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0। तो y इज इक्वल टू 0, तो पहला पॉइंट 0 और 0 आपका सेटिस्फाई करा गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x को क्या पुट करना है, -1, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1, सो y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आपका ये वाला पॉइंट क्या था, -1 और 1, इट मीन्स सेटिस्फाई नहीं करा रहा, क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करने पे यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, -2। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इक्वेशन में वो क्या कह रहे, 2 प्लस 3 वाई। सबसे पहले बेटा ये वाला पॉइंट, 2 प्लस 3 वाई, मैंने x को पुट कर दिया यहाँ पे -1, 7 इंटू -1। ये 2 यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव, इट मीन्स -7 माइनस 2, 3 वाई इज इक्वल टू -9। वाई इज इक्वल टू -9 बाई 3, 3 3 ज़ा 9। तो जब मैंने एक्स को क्या पुट किया, -1, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -3। लेकिन उसने क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू क्या है बेटा, 1। लेकिन यहाँ वाई की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो ये भी नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके इसी के पार्ट पे। सेकंड पार्ट का ग्राफ आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं, -1, 3, 0, 2,
टू एंड ज़ीरो, यानी कि मेरे को ऐसी इक्वेशन इनमें से निकालनी है जिसमें मैं माइनस वन पुट करूँ एक्स को तो वाई की वैल्यू क्या आई, थ्री। एक्स को ज़ीरो पुट करूँ तो वाई की वैल्यू आई टू। एक्स को टू पुट करूँ तो वाई की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। बेटा सबसे मेन पॉइंट क्या है, अगर ये तीनों ही आ जाते हैं तो ही आपकी इक्वेशन बनेगी। ये मत सोचना कि एक पॉइंट आ गया तो इट मीन्स इट इज़ द इक्वेशन ऑफ दैट कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो बेटा ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपका ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई कराएंगे तो ही आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तीनों का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तीनों ही इस स्ट्रेट लाइन के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट बेटा चेक करते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इक्वेशन आपको ये दी हुई है, एक्स को क्या पुट करना है, माइनस वन। तो बेटा कर दो पुट। अगर मैं एक्स को माइनस वन पुट कर दूँ तो यहाँ से क्या वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टू माइनस वन, वन। लेकिन यहाँ क्या दी हुई है वाई की वैल्यू, थ्री। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मेरे को नेक्स्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो अब इसमें एक्स को क्या पुट कर दूँ, माइनस वन। सो वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस थ्री, माइनस थ्री नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो नोट दैट सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट दैट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। अब वाई को एक्स को क्या पुट कर दूँ, माइनस वन। तो माइनस एक तो ये वाला माइनस बेटा, एक माइनस ये वाला, ठीक है, और प्लस टू। तो वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू, सो वाई इज इक्वल टू थ्री। देखो बेटा, जब मैंने एक्स को माइनस वन पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाई शुड बी टू। जब मैं एक्स को टू पुट करूँगी तो वाई की, एक्स को ज़ीरो पुट करूँगी तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टू। तो देखो बेटा, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस टू, सो वाई इज इक्वल टू टू। ये भी सेटिस्फाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला, व्हेन वाई इज इक्वल टू, व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स को क्या पुट करना है बेटा, टू। तो माइनस का साइन ये वाला, टू, देन प्लस टू, माइनस टू प्लस टू शुड बी ज़ीरो, ठीक है। जब मैंने इसको टू पुट किया तो इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। तो इट मीन्स मेरी इक्वेशन क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन की ये, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, देखो बेटा इसने क्या बोला, दैट x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, x को मैंने क्या पुट किया, माइनस वन, प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। सो टू वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव, सो टू वाई इज इक्वल टू सेवन, सो वाई इज इक्वल टू सेवन बाई टू। लेकिन y की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 3। तो इसका मतलब ये भी आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू everyone। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, ओके। यहाँ पे उसने बोला है डिस्टेंस और वर्क डन, ठीक है। सो एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मेरे को एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है, एंड ड्रो द ग्राफ, और ग्राफ भी ड्रो करना है, ठीक है। ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कॉन्स्टेंट फोर्स एज 5 units, जो कॉन्स्टेंट फोर्स आपकी होगी वो क्या होगी, 5 units। ऑल्सो रीड फ्रॉम दिस ग्राफ, सबसे पहले मैं इक्वेशन बनाऊंगी, इक्वेशन बना के मैंने क्या बनाना है, ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करके मेरे को वहाँ से क्या वैल्यू निकालनी है कि जो वर्क डन हुआ है बॉडी से वो 2 units पे कितना होगा, 0 unit पे कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने माना जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितनी की गई है बेटा, x किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है, x, ठीक है। उसके बाद उसने बोला
फोर वर्क डन, दूसरा क्या बोला है उसने, वर्क डन। वर्क डन मैंने क्या माना, वाई, ठीक है। डिस्टेंस मैंने मानी एक्स, वर्क डन मैंने माना वाई, क्योंकि उसने टू वेरिएबल में इक्वेशन मानी है तो मैंने अलग अलग लिए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट फोर्स, क्या दे रखा है बेटा, कॉन्स्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू 5 units, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 units। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, जो वर्क डन हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस और वर्क वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा यू नो वेरी वेल दिस साइन इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसको इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करोगे तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज। और जब भी आप इस साइन को चेंज करते हो इक्वल टू में, हम कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ, उसने यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, 5 units बोला हुआ है उसने, कॉन्स्टेंट फोर्स, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 5, तो साथ में यहाँ पे क्या आ गई इक्वेशन, क्या बन गई आपकी, y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। टू वेरिएबल में आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट। ग्राफ प्लॉट करने के पहले आपने इसको टेबल फॉर्म में एटलीस्ट 2 or 3 points आपको चाहिएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखो बेटा कैसे निकालोगे, ये एक्स ही वाई। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर दूँ, 5 × 0 = 0, अगर मैं when x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5 × 0, इट मीन्स y इज ऑल्सो 0। अगर x 0 है तो y भी क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, when x इज इक्वल टू 1, when x इज इक्वल टू 1, x को मैंने क्या पुट कर दिया, 1, ठीक है। अगर x मेरे पास 1 है तो यहाँ से देखो बेटा, y इज इक्वल टू 5 × 1, सो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। x अगर मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। 2 points इनफ है आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो 2 ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सेस आपका अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को, और x एक्सेस अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, याद रखना, ठीक है। तो देखो बेटा आप कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस इज x और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। दिस इज 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, this is x dash, this is y, this is y dash, और आपका y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, वर्क डन को, ठीक है। तो सबसे पहले when x is equal to 0, y is also equal to 0, और दोनों की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यहाँ पे, तो ये क्या आपका आ गया, 0 and 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when x is equal to 1, then y is equal to 5, यानी कि x की वैल्यू 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और y की वैल्यू 5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पे मिल जाएंगे वो हो जाएगा आपका 1 and 5, ठीक है। जॉइन दम, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये तो था आपका अब तक का पूरा क्वेश्चन। अब उसने बोला वी हैव टू रीड दैट ग्राफ, हमें इस ग्राफ को पढ़ना है और ये बताना है कि जो वर्क डन हुआ है जब मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 units, ठीक है। मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 units, और डिस्टेंस कहाँ है बेटा, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे 2 units कब होंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पे। तो 2 पे आपकी जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ऊपर तक, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। ऐसे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन, ये वाली जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ की है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन गई हुई है इक्वेशन की, उस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस के सामने, उसको मिला दो, ठीक है। तो जो भी वाई एक्सिस का पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है वाई एक्सिस का पॉइंट, 10, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, वर्क डन यहाँ पे 2 units के लिए वर्क डन कितना हुआ बेटा, 10, कितना हुआ, 10,
ठीक है। उसके बाद उसने पूछा ज़ीरो यूनिट, तो ज़ीरो यूनिट पे आपको पता है बेटा जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो थी तो वाई की वैल्यू भी क्या थी, ज़ीरो। तो ज़ीरो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, ज़ीरो वर्क डन। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, और आप लोगों को समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।